नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वाह जिंदगी ने एक श्रृंखला चालू करी जिस श्रृंखला में मैं आप सभी को पूरे भारतवर्ष में फैले हुए अलग अलग जैन मंदिरों के दर्शन करा रही हूँ। और इसी श्रृंखला में मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ कलकत्ता के बड़ा बाजार स्थित जबरेश्वर बालाजी मंदिर के एवं काठगोला के श्याम बाबा के मंदिर के। तो चलिए चलते हैं अपनी इस मंजिल पर और सबसे पहले हम दर्शन करते हैं कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित जबरेश्वर बालाजी मंदिर के। मैं सविता जैन वहाँ जिंदगी में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस टाइम मैं खड़ी हूँ सतनान पार्क में जबरेश्वर हनुमान के सामने। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से दर्शन करने आते हैं उनका मनोकामना पूरी होती है। कोलकाता महानगर और इसके आसपास के इलाकों में हजारों मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों में से कुछ मंदिर भक्तों की मन्नतें पूरी होने के कारण काफी प्रसिद्ध हैं। और इन्हीं में से एक मंदिर है बड़ा बाजार के सत्यनारायण एसी मार्केट के सामने स्थित एक प्राचीन मंदिर जिसका नाम है जबरेश्वर हनुमान मंदिर। आइए आज इस मंदिर के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की स्थापना जब हुई थी उस वक्त कलाकार स्ट्रीट का नाम था श्यामा गली, जहां एक तरफ इस मंदिर के पहले पुजारी जी की पांचवी पीढ़ी हनुमान जी की सेवा में लगी है, वहीं इस मंदिर के अनेक ऐसे भक्त हैं जिनकी चौथी या पांचवी पीढ़ी आज जबरेश्वर हनुमान जी के ऊपर अटूट श्रद्धा रखती है। 1924 के पहले इस मंदिर का नाम था जबरेश्वर महादेव मंदिर। करीब 95 साल पूर्व सालासर के बालाजी की पीठ के रूप में यहां पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई और मंदिर का नाम पड़ गया जबरेश्वर हनुमान मंदिर। आज इस मंदिर की महिमा केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। प्रत्येक साल मकर संक्रांति के दिन घेवर से इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। मंदिर में रोजाना संध्या कालीन आरती होती है और ये आरती इतनी अलौकिक होती है कि श्रद्धालुओं को अध्यात्म की दुनिया में ले जाती है। ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है, आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। जिस टाइम में ये मंदिर की स्थापना हुई उस टाइम में हमारे दादाजी यहाँ पर पूजा करते थे। उस टाइम में ये कलाकार स्ट्रीट नहीं थी, उस टाइम में ये एक तरह का पॉश एरिया था, रहीसों का एरिया था। इंडिया में या वर्ल्ड में बोलिए तो एक जबरेश्वर हनुमान जी ऐसे हैं जो इनके ऊपर में स्वर्ण पत्र चढ़ते हैं बहुत जगह हैं, किंतु तो क्या होता है कि वो चढ़ जाने के बाद में वो उतर जाते हैं। तो अपने यहाँ ये स्वर्ण पत्र जो है 12 महीना रहते हैं। शिवलिंग जो है यहाँ पे प्रकट हुआ इस ये दो बाद में स्थापित हुए। तो उस टाइम में मंदिर का द्वार भी जो था इधर में था, ये तो बाद में कलाकार स्ट्रीट बनने के बाद में ये मंदिर का द्वार बना इधर में। आज हम लोग चार भाई हैं, चारों भाई सेवा करते हैं। सबसे बड़े हमें हमारे बाद नरेश है, नरेश के बाद में विजय लाल जी है, उसके बाद अमित है। कई भगत ऐसे थे जिनके यहाँ खाने को दाना नहीं था, दूसरे के घर में चूल्हा जलने के बाद में उनके चूल्हे पर रोटी बनती थी, आज वो अरबों खरबों में खेल रहे हैं। आप इस मंदिर का विशेषता बताइए। मंदिर की प्रतिष्ठा आज 100 बरस के आसपास हो गई है, हमारे दादाजी की स्थापना की हुई है, आज हमारी चौथी पीढ़ी यहाँ सेवा पूजा में लगी है। ये चौथी जनरेशन के पहले पुजारी हैं, पारस पुजारी। आप न्यू जनरेशन होके भी बाबा की इतने सेवा करते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब से बड़ा हुआ पिताजी को, भैया को, अपने चाचा लोगों को, सभी को हमने मंदिर में काम करते हुए देखा, मंदिर में बाबा की सेवा करते हुए देखी। तो काम तो मैं और भी करता हूँ, और भी जगहों में अपना काम करता हूँ, लेकिन मंदिर की सेवा जब आती है तो सब समय बाबा की सेवा पहले हमारी प्रायोरिटी है, उसके बाद हम और किसी काम के लिए या और किसी चीज़ों के लिए सोचते हैं।
मंदिर में हमारी आस्था और हमारा धर्म खींच के लाता है, चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, चाहे मैं निर्वाचन लड़ा उसके बीच में भी, लेकिन मंदिर नहीं छोड़ा। आपकी कोई मन्नत पूरी हुई? हाँ, मेरी बहुत सारी मन्नतें पूरी हुई, बाबा का दिया हुआ ये सब कुछ एकदम। आप कई सालों से इस मंदिर से जुड़े हैं, इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, आरती देखते हैं, इसका कारण क्या है? हम लोग राजस्थान से आए 1978 में, मेरा पूरा परिवार, खासकर मेरे माता जी सालासर बालाजी की बहुत बड़ी भगत है, उनकी बहुत बड़ी कृपा रही परिवार पे। सबसे पहला वो कलकत्ता जब आए सबसे पहले हमको यहीं लेके आए, और आज 1978 से लेके आज तक हम यहीं आते हैं। पर मेरे कौन से काम नहीं हुए क्या बताऊँ, बताइए, सब काम ही हुए हैं, रुके हुए काम है, नए काम है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मिला कि मेरा दुकान में लफड़ा चल रहा था, एक बार 94 में नया दुकान लेने वाले थे, तो मेरे माता जी दुकान में आए तो बोले क्या हुआ क्या, हम बोले ऐसे हो गया, बोले ठीक है मंदिर जाके आते हैं। तो पुजारी जी बैठे थे, बाबा को भोगर लगाए, फिर बोले जा जा भाई तुम्हारा मंगलवार को दुकान अपना है। अब कोई सोच नहीं सकता था कि कोई, मतलब सोमवार की रात को कैसे लफड़ा चलता, मंगलवार को अपने आप आई बोलता भाई जी आप ले लीजिए दुकान, इतना चमत्कार हुआ। आज ये मंदिर पूरे बंगाल में हनुमान जी की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है, जहां आने वाले हर श्रद्धालुओं की हर इच्छा पूरी होती है। अगर आपने अभी तक इस जबरेश्वर हनुमान जी की चमत्कारिक मूर्ति के दर्शन नहीं किए तो आज ही इस मंदिर आइए और हनुमान जी के दर्शन कर अपनी और अपनी आने वाले पीढ़ी की जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। तो हमने दर्शन किए सत्यनारायण पार्क के सामने जबरेश्वर हनुमान मंदिर के, यहाँ पे आके मेरे को भी अद्भुत शांति मिली। मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करूँगी कि सबकी जिंदगी बने वह जिंदगी। जबरेश्वर बालाजी मंदिर के दर्शन करके मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसा कहा जाता है कि जबरेश्वर बालाजी मंदिर के द्वारे जो जाता है उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और जो आप लोग हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने घर बैठकर जबरेश्वर बालाजी के दर्शन किए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामना वे ज़रूर पूरा करें। और अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। वह जिंदगी एक अद्भुत और लोकप्रिय टीवी शो जिसका पहला एपिसोड 28 अगस्त 2011 को प्रसारित हुआ और विगत 8 सालों से सफलतापूर्वक चलता हुआ इसने अपने 300 एपिसोड्स पूरे कर लिए। वह जिंदगी उन लोगों की आत्मकथा दिखाता है जिन्होंने मेहनत कर सफलता प्राप्त कर न केवल अपनी बल्कि अपने साथ साथ जुड़े सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। साथ ही साथ वह जिंदगी का एक अद्भुत कार्यक्रम एक दिन गुरुदेव के साथ काफी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध हुआ, जिसमें दिखाया जाता है जैन साधुओं की कहानी उन्हीं की जुबानी। इसके साथ ही वह जिंदगी उन संस्थानों पर भी फिल्म बनाकर दिखाता है जो अपनी सेवाओं के द्वारा लोगों की जिंदगी को बनाता है वह जिंदगी। अगर आप अपने परिजन किसी संस्था पर या फिर किसी धार्मिक आयोजन पर फिल्म बनाकर लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी, कोलकाता 9331722031। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वह जिंदगी के आज के इस एपिसोड में वक्त हो चला है काठगोला के श्याम बाबा के मंदिर के दर्शन करने के, तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय श्याम बाबा की। इस वक्त मैं खड़ी हूँ एक ऐसे मंदिर के सामने जिसके लिए कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर का दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। इस मंदिर का नाम है निमतल्ला स्थित काठगोला के श्याम बाबा मंदिर। तो चलिए हम दर्शन करते हैं श्याम बाबा मंदिर के। कलिकाल में आपकी पूजा मेरे श्याम नाम से होगी और जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से आपके नाम को ध्याएगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ये वरदान भगवान कृष्ण ने बाबा श्याम को दिया था और आज बाबा श्याम के चमत्कारों से पूरा विश्व अभिभूत है। श्याम को भगवान कृष्ण के कलयुग अवतार के रूप में जाना जाता है। दुनिया में हजारों श्याम बाबा मंदिर है जिनमें से एक अद्भुत चमत्कारी मंदिर है कोलकाता के मध्य में स्थापित काठगोला का प्राचीन श्री श्याम मंदिर।
जहां आकर हर श्रद्धालुओं की हर इच्छा पूर्ण होती है। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना आज से करीब 200 साल पूर्व कोलकाता के प्रथम श्याम बाबा मंदिर के रूप में हुई थी। मंदिरों में स्थापित प्राय हर प्रतिमा, जहां पत्थर, अष्ट धातु, चांदी आदि पदार्थों से निर्मित होती है, वहीं इस मंदिर में स्थापित बाबा श्याम की प्रतिमा चंदन के काठ से निर्मित है, जो शायद विश्व में इकलौती है। मंदिर में श्याम बाबा की प्रतिमा के दाएं तरफ श्री कृष्ण और बाएं तरफ हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के प्रमुख महंत श्री संत कुमार जी शर्मा का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां इस मंदिर की सेवा करती आई है। गुरु जी, ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और बहुत चमत्कारी है। आप मेरे को ये बताइए, इस मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, सब जगह से आते हैं, चारों तरफ से आते हैं, क्योंकि कलकत्ते का सबसे प्राचीन मंदिर यही है। जो भी यहाँ भगवान का दर्शन करने आते हैं, मनोकामना उनकी मनोकामना दर्शन करने से पूरी होती है। मंदिर के दर्शन करते ही एक आध्यात्मिक और चमत्कारिक शक्ति का अनुभव होता है। काठगोला के इस चमत्कारी मंदिर में पिछले 80 सालों से लगातार 24 घंटे ज्योत प्रज्वलित रहती है। मंदिर में चार समय महाआरती होती है, सुबह मंगला आरती, दोपहर को भोग आरती, शाम को संध्याकालीन आरती और रात्रि शयन आरती। प्रत्येक आरती में सभी भक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बाबा का नित्य श्रृंगार होता है। फागुन सुदी एकादशी एवं कार्तिक सुदी एकादशी को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर महा उत्सव होते हैं, जिनमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस समय पूरा इलाका किसी तीर्थ स्थल की तरह हो जाता है। पूरा इलाका केसरिया ध्वज और बाबा के निशानों से भक्तिमय हो जाता है। ये शोभा यात्रा कई मार्गों से होती हुई काठगोला श्याम मंदिर पहुँचती है। उत्सव के दिन बाबा के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज होता है, जिसका दर्शन कर सभी भक्त खुद को धन्य समझते हैं। मौके पर कई सुमधुर भजनों की बरसात होती है, जिसे सुनकर भक्त मंत्रमुग्ध होकर झूमने नाचने लगते हैं। मेले में कई प्रकार की झांकियां भी निकाली जाती हैं। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष आपस में गुलाल लगाकर भक्तिभाव में तल्लीन होकर थिरकते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इस शोभा यात्रा में काफी बड़ी संख्या में युवक, युवतियों और बच्चों की भी भागीदारी होती है, जो आधुनिकता के इस दौर में भी श्याम बाबा के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा दिखाती है। इस मंदिर का स्थापना कब हुई थी और इस मंदिर के इतिहास और विशेषता बताइए। हमारे पिताजी आए, पिताजी के दादाजी आए, ऐसे पीढ़ी बाई पीढ़ी 200 वर्ष से बाबा की सेवा कर रहे हैं और 200 साल पुराना कम से कम ये मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता है, मान के चलिए जैसे देखिए, जो भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय गाँच था कदम का, बाबा श्याम के ठीक नज़दीक में देखिए कदम का गाँच है। आप दूर से देखिएगा तो जैसे लगेगा कि भगवान कृष्ण जैसा झूला झूलते हैं, वैसे बाबा श्याम का मंदिर भी कदम के वृक्ष में झूला झूल रहा है। पूरब मुखी मंदिर है, चंदन काठ की प्रतिमा है ये,
80-90 सालों से अखंड ज्योत जल रहा, जो बाबा श्याम का साक्षात स्वरूप है, दर्शन करने से उसके कष्ट निवारण हो जाते हैं। मंगला के समय में आप आइएगा 6-7 बजे, आपको लगेगा साक्षात सूर्य भगवान जो है बाबा श्याम से मिलने आ रहे हैं। इनके बाबा सूर्य भगवान की पूरे किरणें बाबा श्याम के भाव मंडल में पड़ रही है, और इससे ज़्यादा विशेषता क्या हो सकता है, जो प्रकृति का जो साक्षात स्वरूप माना जा रहा है। अच्छा, इस मंदिर में हमेशा भीड़ होती है या कब होती है भीड़? हर समय भीड़ रहती है, हर समय। आप जब पहुँचे बाबा श्याम एकदम साक्षात भक्तों का कष्ट निवारण करने के लिए विराजमान है। यहाँ जो आ जाएंगे एक बार में कष्ट निवारण हो जाता है। कलकत्ता का सर्वप्रथम सर्वप्राचीन 200 साल पुराना ये मंदिर, इसकी सबसे बड़ी महानता ये है कि यहाँ ना ही कोई आडंबर होता है और ना ही यहाँ किसी प्रकार का दिखावा होता है। सभी भक्त आते हैं, सभी की मनोरथ पूर्ण होती है, बाबा स्वयं यहाँ पे सबका मनोरथ पूर्ण करवाते हैं। यहाँ किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी भक्त आते हैं, सभी को एक समानता देखी जाती है, सभी को बाबा देखते हैं। पूर्ण विश्वास है भक्तों का इस मंदिर के प्रति, और सच्चा न्याय इस मंदिर में सबको मिलता है। कोई अपनी मन्नत पूरी होने पर दंडवत शीश झुकाता है, तो कोई अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए। क्या दिन क्या रात, बाबा के दर्शन करने के लिए उनके भक्तों को समय देखने की जरूरत नहीं पड़ती। काठगोला श्याम बाबा मंदिर के एक नहीं अनेक चमत्कार है। इस मंदिर में सुबह से लेकर रात तक भक्तों का तांता लगा रहता है। काठगोला श्याम बाबा मंदिर की कई खास बातें हैं, जिसके कारण आज ये कोलकाता के प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिर में से एक है। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर में श्रद्धालु खाली झोली आते हैं और श्याम बाबा बिना सुने उनकी झोली भर देते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का सहारा, खाटू श्याम, इन सभी नामों से बाबा को उनके भक्त पुकारते हैं। अगर अभी तक आपने कोलकाता के काठगोला स्थित श्याम बाबा के चमत्कारिक मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, तो आज ही अपने परिवार के साथ आकर इस मंदिर के दर्शन करें और अपनी तथा अपने परिवार की जिंदगी को बनाए वह जिंदगी। तो अभी आपने दर्शन किए काठगोला के श्याम बाबा मंदिर के, मुझे भी यहाँ पे आके अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अगर आप अभी तक इस मंदिर का दर्शन नहीं किए तो जल्दी आके आप इस मंदिर का दर्शन कीजिए और आप अपने जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। काठगोला के श्याम बाबा को पूरी वह जिंदगी की टीम का नमन। और अब इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करने का वक्त हो चला है। मन तो नहीं हो रहा है आपसे विदा लेने का, पर मैं क्या करूं, जाने का समय हो चुका है। पर जाने से पहले हर बार की तरह मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहती हूं कि आपके अगल बगल, आपके आसपास, आपके नज़र में अगर ऐसा कोई मंदिर है जिसे संरक्षण की ज़रूरत है, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुझे बहुत खुशी होगी वह जिंदगी की पूरी टीम को लेकर उस मंदिर में जाने की, उसको कवर करने की, उस पर फिल्म बनाने की और उस फिल्म को हमारे दर्शकों के सामने लाने की। अब बस हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी को बनाइएगा वह जिंदगी।